परिषदीय स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लगातार 3 साल बाद भी अब लागू नहीं हो पाएगा। साथियों, दूसरी खबर है पंजाब से। वहां पर जितने भी संविदा कर्मी उनको परमानेंट करने के लिए तैयारी कर ली गई। 35,000 मुलाजम जेड़े ने उन्होंने पक्के करने का फैसला लिया गया। मैं अपने सारे अफसर नाल मीटिंग कर ली। चीफ सैकटरी साहब मैं निर्देश दे दते ने कि ठेका प्रणाली के आउटसोर्सिंग तो खैड़ा चलाओ। हैरानी की गल है कि स्कूल जेड़े ने सरकारी वो टीचर तो खाली पे ने। उस स्कूल के सामने जी पानी की टैंकी है वो उत्ते जेडे एलिजिबल टीचर ने वो धरना दे रहे हैं उत्ते चढ़ के कि सानू रख लो जी नौकरी कर। ये नहीं है कोई नवी जॉब्स क्रिएट करनी ने अजे वो भी करा पर पहला जे पुरानियां नूं भर दिए तो बहुत सारे जेडे बेरोजगार ने उन्होंने घर के चुल्हे की अग जी है बन लगू उन्होंने घर खुशियां होंगे। 35,000 ग्रुप सी ते ग्रुप डी दे जिहड़े मुलाजम ने कच्चे उन्होंने पक्के करन दे निर्देश दिते ने। मैं चीफ सैकटरी साहब नूं निर्देश दिता है कि अगले विधानसभा सैशन तो पहला पहला इस कानून का मसौदा बना के मैनू भेजो ताकि आपां विधानसभा दे विच उन्हूं मंजूर करके लागू कर सकते। साथियों, आपने देखा किस तरीके से भगवंत मान जी ने घोषणा की है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, कह सकते हैं संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की बात उन्होंने कही है और जल्द से जल्द उन्हें परमानेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या यूपी में भी संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि उत्तर प्रदेश में समस्त संविदा कर्मी कई वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए, उसको परमानेंट कराने के लिए, समान कार्य समान वेतन के लिए। यहाँ पर एक और समाचार आ रहा है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। परिषदीय स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि एससीईआरटी की ओर से पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार ना हो पाने से बनी ये स्थिति। अमर उजाला ने इसको छापा है और कहा है कि परिषदीय स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षिक सत्र 2022-2023 से भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू नहीं हो सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने लगातार तीसरे साल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का मामला टाल दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में परिषदीय स्कूलों में भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने के लिए निर्देश दिए थे। जी हाँ साथियों, 2020-21 में कोरोना संक्रमण की पहली लहर के चलते स्कूल बंद रहने और दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित रहने से पाठ्यक्रम लागू नहीं हो सका। 2021-22 में उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार नहीं करने से पाठ्यक्रम लागू नहीं हो सका। इसके बाद विभाग ने सत्र 2022-23 में पहली कक्षा में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा कर चरणबद्ध तरीके से 2025-26 तक कक्षा 8 तक इसे लागू करने की तैयारी की। लेकिन इस बार फिर एससीईआरटी की ओर से पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार नहीं हो पाया, इसलिए इस बार भी पाठ्यक्रम लागू नहीं हो सकेगा। यहाँ पर प्रताप सिंह बघेल, सचिव बेसिक शिक्षा, ने कहा है परिषदीय स्कूलों में अप्रैल से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू नहीं हो सकेगा। अब 2023 और 24 से इसे लागू किया जाएगा। साथियों, आप देख रहे थे अनुदेशक न्यूज़। ताज़ा तरीन शिक्षा विभाग की समस्त खबरों के लिए देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।